हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो ब्रेकफास्ट का होने वाला है अगेन मनाली से। मनाली से हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली कह लो या अटल टनल कह लो या सिसू, उस तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ते में SLS करके एक रेस्टोर पड़ता है, यहाँ पे हम लोग रुके स्पेशली क्योंकि इनके पास साउथ इंडियन था और अक्षु को डोसा खाना था। दो एक दिन से उसका मन था, किधर मिल नहीं रहा था डोसा, तो इसलिए हम लोग इधर रुके। और हमने ऑर्डर क्या क्या किया है, मैंने ऑर्डर किया है ऑमलेट, हरविंदर ने पराठा और अक्षु ने डोसा। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं यहाँ पर, और देखो आ जाने देते सारी चीज़ें, फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हाँ रेकमेंडेड है या नहीं है। देखने में इंटीरियर वगैरह तो मुझे बहुत पसंद आया, एकदम साफ़ सुथरा है और लाइक अच्छा एम्बियंस अच्छा है यहाँ का। पार्किंग वगैरह सब कुछ है इनके पास। मेन जब आप कार से ट्रेवल कर रहे होते तो पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, मुझे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है जो सिसू की तरफ रोड जाता है मनाली से, और सामने पहाड़ तो पूरे बर्फ़ में ढके हुए हैं, तो यहीं पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये पड़ता है इधर SLS रेस्टोर, और चल के अंदर देखते हैं कैसा है। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, पार्किंग स्पेस भी इनके पास काफ़ी है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं रेट की, तो रेट भी इनके ना रीजनेबल है। जैसे पराठा वगैरह देखो 60 रुपीज़ ही है यहाँ पे, और ऑमलेट वगैरह भी प्लेन 60 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे कि इनका इंटीरियर वगैरह बना हुआ है ना, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी रीजनेबल लग रहा है, इतना महंगा नहीं है। तो अभी पहले अक्षु अपना डोसा खा रहा है, प्लेन डोसा अक्षु ने ऑर्डर किया है। अच्छा है, सही है, मतलब सुबह सुबह हल्का मुल्का खाने का मन होता है उसके लिए सही है एकदम। तो अक्षु ने अच्छा बता दिया, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ क्योंकि मैंने ऑमलेट ऑलरेडी मंगाई हुई है। मुझे मेन चटनी ट्राई करनी है, चटनी ना गोवा जैसी चटनी मुझे इधर कहीं भी नहीं मिली। अच्छी है ये, मैं बिल्कुल गोवा जैसी नहीं कह सकती पर नो डाउट अच्छी है। इसका टेस्ट मुझे बहुत मस्त लगा, बाकी सांभर और टेस्ट करती हूँ। ये भी बढ़िया है, अच्छा है, टेस्टी है। तो मेरा ऑमलेट भी आ गया, मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ कैसा है टेस्ट इसका। बढ़िया है, घर जैसा ऑमलेट है ये, सिंपल अच्छा लग रहा है टेस्ट में मुझे। तो मैं पराठा ट्राई कर रहा था, आलू प्याज का पराठा है ये, बहुत ही मस्त बना हुआ है। अचार के साथ खा रहा हूँ मैं, और बटर मैंने आज लिया नहीं क्योंकि ट्रैवल में मुझे थोड़ा हल्का खाना है, पर हाँ लंच इतना खाना है कि लंच तक आराम से काम चले, मैं गाड़ी चला सकूँ, तो इसलिए मैंने पराठा लिया। और अचार के साथ में अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। मिर्च का अचार है तो उसके साथ तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा तीखा खाना पसंद करता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये है बुखारी, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इसमें लकड़ी जला के, आग जला के और तापने के लिए बैठते हैं, और धुआं सारा इधर पीछे से निकल जाता है ऊपर की तरफ। तो जो हमारा बिल हुआ है टोटल वो हुआ है 530 रुपीज़ का, उसमें दो चाय थे हमारे 30-30 रुपीज़ के। चाय 30 की मेरे को थोड़ी सी महंगी लगी, बट चाय थी अच्छी इनकी, मतलब ऐसी नहीं थी कि एकदम पतली ऐसा कुछ, एकदम गाढ़ी दूध वाली थी चाय। और सॉल्टेड लस्सी अक्षु ने ली थी, वो 80 रुपीज़ की थी। 90 रुपीज़ की ब्रेड ऑमलेट थी, मसाला ब्रेड ऑमलेट, और 90 रुपीज़ का मिक्स पराठा था, और 120 का प्लेन डोसा था। तो ये सारा सब कुछ मिला के 530 हुआ। तो ठीक है, मतलब तीन लोगों का 530 बुरा नहीं कह सकते आप, अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। खाना अच्छा होना चाहिए एंड ऑफ द डे, तो खाना अच्छा था, मतलब खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था।
तो चलो अभी ये वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, मुझे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।